नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पार्ट नंबर 24 में। आज के इस पार्ट में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कुछ प्रिंटिंग टिप्स बताऊंगा। अगर आप एक्सेल के अंदर कोई भी एंट्री करते हो, उसके बाद में अगर आप उस शीट को प्रिंट करते हो, तो प्रिंट करते टाइम आप क्या क्या टिप्स अपना सकते हो और कैसे अपने काम को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हो। यहाँ पर जैसे मैंने कुछ स्टूडेंट्स की लिस्ट बना रखी है जो कि आप देख सकते हो, ये सैंपल के तौर पर है, ठीक है। अगर मैं कंट्रोल पी करता हूँ तो यहाँ पर आप पेज को प्रिंट कर पाओगे। अब यहाँ पर 2-3 पेज है जिसके ऊपर आप चेक कर सकते हो, ओके। अब यहाँ पर मैं जो आपको बता रहा हूँ, अगर वो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम प्रिंट करते हैं, अगर आपको प्रिंट करते टाइम पेज के ऊपर कोई भी वाटर मार्क चाहिए आपकी कंपनी का, या फिर कोई भी टेक्स्ट चाहिए जो कि आप यहाँ पर चिपकाना चाहते हो, क्योंकि आप अगर सबसे पहले कोई भी लिस्ट अगर आप रिलीज़ कर रहे हो और सबसे पहले आप किसी को दे रहे हो, तो वहाँ पर वाटर मार्क ज़रूरी होता है अपने जो भी प्रिंट आपने किया है उसके ऊपर, ठीक है। तो वाटर मार्क कैसे ऐड करते हैं जान लेते हैं। सबसे पहले तो वाटर मार्क ऐड करना एक अलग चीज़ होता है और बैकग्राउंड ऐड करना अलग चीज़ होता है। अगर आप पेज लेआउट के अंदर जाते हो और यहाँ से अगर आप बैकग्राउंड ऐड करोगे तो इससे पूरी शीट के ऊपर बैकग्राउंड ऐड हो जाएगा। जैसे इसको मैंने सेलेक्ट किया, लाइट लोगो है और इंसर्ट किया, तो पूरा जो शीट है, अनलिमिटेड शीट होता है, इसके ऊपर आप देख सकते हो पूरा जो शीट के ऊपर है वो लोगो अप्लाई हो चुका है। लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना है, आपको केवल पेज के सेंटर में एक लोगो चाहिए। हम यहाँ से डिलीट बैकग्राउंड करेंगे, उसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम यहाँ पर पेज लेआउट के अंदर हैं अभी तो, लेकिन हम इंसर्ट के अंदर जाएंगे, यहाँ से हम हेडर एंड फुटर को सेलेक्ट करेंगे और क्लिक कर देंगे, तो पेज के ऊपर यहाँ पर हेडर और नीचे की तरफ यहाँ पर फुटर आ जाएगा। हेडर का मतलब होता है पेज का टॉप और फुटर का मतलब होता है पेज का एंड। अगर आपको पेज के स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ ऐड करनी है टॉप के ऊपर तो आप कर सकते हो, और फुटर में करनी है तो भी कर सकते हो। अब यहाँ पर हम लोगो ऐड करते हैं, तो बीच वाले बॉक्स पर मैंने क्लिक किया। अभी हम डिज़ाइन के अंदर हैं, यहाँ पर मैंने पिक्चर सेलेक्ट किया, फ्रॉम अ फाइल किया, यानी कि कंप्यूटर के अंदर से मैंने एक लाइट लोगो लिया। लाइट हम इसलिए लेते हैं क्योंकि पीछे का जो भी चीज़ है इसके ऊपर, रसीद के ऊपर या फिर आपने जो भी एंट्री की है उसके ऊपर जो लोगो है वो हल्का दिखना चाहिए। उसके बाद में देखो इस तरीके से आपको टेक्स्ट दिखेगा, साइड में क्लिक करोगे तो लोगो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। लेकिन अभी आप देख क्या रहे हो, ये जो लोगो है वो टॉप के ऊपर है। अगर आप इसको सेंटर में करना चाहते हो तो एंड के आगे आप एंटर 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 ऐसे करके उसके बाद में साइड में क्लिक कर दो। अब आप कंट्रोल पी कर दो तो देखो लोगो जो है ना वो पेज के सेंटर में चला जाएगा। अगर किसी के लोगो बड़ा आ रहा है तो लोगो की साइज आप फोटोशॉप के अंदर जाकर कम कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लोगो तो ऐड हमने कर दिया, लेकिन हम जाते हैं अभी देखो हेडर के अंदर, डिज़ाइन के अंदर। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, देखो हेडर सेलेक्ट किया, यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। उसके अंदर एक चीज़ और है जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें तो है डिफरेंट फर्स्ट पेज, ठीक है। अगर मैं इस पर टिक करता हूँ तो इससे क्या होता है कि जो फ्रंट पेज है उसके ऊपर हमें लोगो नहीं दिखाई देता है, लेकिन सेकेंड पेज के ऊपर लोगो दिखाई देगा, थर्ड पेज के ऊपर और बाकी जितने भी पेज हैं उन सब के ऊपर लोगो दिखाई देगा। तो पहला पेज आप पूरा डिफरेंट कर सकते हो, आप डिफरेंट कोई भी हेडर फुटर लगा सकते हो। इसको मैंने यहाँ से हटाया, उसके बाद में सेकेंड एक और दे रखा है। यहाँ पर क्या होगा कि फर्स्ट पेज पर तो वही चीज़ें रहेंगी, लेकिन सेकेंड पेज के ऊपर आप देखोगे, थर्ड पेज के ऊपर आप देखोगे तो देखो आपको अलग से दिखाई देगा। यानी कि फर्स्ट पेज के ऊपर लोगो है, लेकिन सेकेंड पेज, फर्स्ट के बाद में इवन सेकेंड पेज है उसके ऊपर कुछ भी चीज़ें नहीं है, लेकिन उसके बाद में सभी पेज पर आ जाएगा, ओके। तो ये चीज़ होता है इसके अंदर, तो यहाँ से मैं इसको भी हटा लूँगा। उसके बाद में आप हेडर के अंदर अगर आप कोई भी डेट वगैरह, पेज का नंबर वगैरह अगर आप ऐड करना चाहते हो, फाइल का नेम है, शीट नेम है, तो भी आप कर सकते हो। कई बार हम पेज को प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करने के बाद काफ़ी ज़्यादा पेज होते हैं तो मिक्स हो जाते हैं, तो सीक्वेंस वाइज जमे नहीं होते हैं। तो ऐसे में अगर आप फुटर के अंदर पेज का नंबर लिखना चाहते हो तो भी यहाँ पर आप पेज नंबर पर क्लिक करके सभी पर पेज का नंबर आप सेट कर सकते हो, ताकि जब भी आप कंट्रोल पी करोगे तो पेज का नंबर यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। तो इससे आपका काम और भी ज़्यादा बेहतर बन जाएगा। उसके बाद में जैसे यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, अभी अगर हम कंट्रोल पी करते हैं तो यहाँ पर देखो इसकी जो हेडिंग है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन अगर मैं नेक्स्ट पेज करता हूँ तो नेक्स्ट पेज के ऊपर यहाँ पर स्टूडेंट की जो हेडिंग थी
वो नहीं दिख रही है। थर्ड नंबर पेज पर भी हेडिंग नहीं दिख रही है। अगर आपको सभी पेज के ऊपर हेडिंग दिखानी है जो कि इस तरीके से है, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, क्लास और डेट ऑफ बर्थ, अगर आपको सभी पेज पर दिखानी है तो कैसे दिखाओगे? इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले पेज लेआउट के अंदर जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हमें क्या करना रहता है, प्रिंट टाइटल्स के ऊपर क्लिक करना होता है। उसके बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है, रोज टू रिपीट एट टॉप। आपको यहाँ पर जो रो है वो अगर आपको हर एक पेज के अंदर अगर रिपीट करना है तो आप इसके ज़रिए कर सकते हो। हम क्या करेंगे, इसके आगे क्लिक करेंगे, उसके बाद में हम रो को इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। अगर दो रो है तो दो को सेलेक्ट करोगे, अगर एक रो है तो एक को सेलेक्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद में आपको ओके पर क्लिक करना है। ओके पे करो या फिर आप प्रिंट प्रीव्यू पर करो, आपका काम हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर पहले पेज के ऊपर भी हेडिंग आ रही है, दूसरे पेज के ऊपर भी यहाँ पर देखो हेडिंग आ रही है, तीसरे पेज के ऊपर भी हेडिंग आ रही है। इस तरीके से सभी पेज के ऊपर हेडिंग भी आएगी, साथ में पेज का जो नंबर है वो भी शो करेगा। तो इससे जब भी आप कोई भी चीज़ प्रिंट करते हो तो इससे आपका जो जो पेज का सिक्वेंस है वो बिगड़ेगा नहीं, इसके अलावा आपका काम और भी ज़्यादा पसंद आएगा। कंट्रोल पी करोगे तो प्रिंट कर पाओगे प्रिंटर को कनेक्ट करके। उसके अलावा अगर आप पेज की साइज चेंज करना चाहते हो, लेटर पेज है, A4 साइज पेज है, तो भी आप कर सकते हो। मार्जिन अगर आपको सही से सेट करना है तो भी आप मार्जिन भी सेट कर सकते हो। आशा करता हूँ MS Excel की क्लास नंबर 24 आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें, SGS Education YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं अर्जुन फिर मिलता हूँ नए वीडियोज़ के साथ। नमस्कार।